डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू एज राइटर्स। देखो बेटा, जीके में ना टॉपिक को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया ना कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं या किसके बारे में जानने वाले हैं या इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बस ये समझ आ जाना तो आपको फिर कोई टेंशन नहीं है। आपको जो भी चीज़ें दिए रहती हैं उसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बीच बीच में रिवाइज़ करना पड़ेगा। और जो भी जैसे पिक्चर्स के फॉर्म है ना, तो लोगों का नाम आपको बाई फेस याद होने चाहिए। जैसे ये कौन है, चेतन भगत जी हैं, ये अरुण जी हैं, ऐसा करके समझ आ रहा है, ये कोई मैडम है, ये मैडम है। तो ये सभी चीज़ को आपको बाई फेस याद करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। ये आपको सिर्फ पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट से नहीं, जैसे कभी आप बड़े हो गए, आप बड़े हो गए इन द सेंस, अब जैसे आगे किसी क्लास में जाओगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा या कुछ होगा, तो इसमें से आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाती है ना। ये स्टैटिक जीके कहलाता है। स्टैटिक जीके इट मीन्स ये कभी बदलेगा नहीं भाई। जो राइटर जिस चीज़ को लिखा है, क्या वो आगे 2008 में लिखा है मान लो कि, तो अभी 2020 चल रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा क्या कि पहले द वाइट टाइगर इसने लिखी थी, अब 2020 आ गई तो किसी और का नाम आ गया? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो जो चीज़ें कभी नहीं बदलती है उसको बोलते हैं स्टैटिक जीके, है ना। जो चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं और कुछ चीज़ें बदलते रहती हैं। जैसे मैं बोलूँगी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी करंट प्राइम मिनिस्टर, तो आप बोलोगे ये हैं। अभी उसी को मैं 5 साल बाद फिर पूछूंगी हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम आंसर में भी चेंज हो जाए, हो सकता है कि नहीं भाई। ज़रूरी है क्या वही बनेंगे? और ऐसा हो भी सकता है कि बन जाए, तो वही है, उसको क्या बोलेंगे, करंट अफेयर्स या करंट जीके बोलते हैं। तो ऐसे जीके के भी टाइप्स होते हैं, तो खैर वो अलग बात है। आपको बस ये समझना है इस टॉपिक में कि जो नए एज के राइटर्स हैं, जो इंडियन राइटर्स हैं, उन्होंने अपने जो बुक्स हैं उसमें क्या लिखी हैं, उन्होंने किस टॉपिक में लिखा है, उनकी कौन कौन सी बुक्स पब्लिश हुई हैं, कब हुई हैं, उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया, उसको आपको पढ़ना है। और ये जो हैं जो राइटर्स हैं वो क्या किए हैं, बहुत एनर्जेटिक पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे सोसाइटी में भी फैलाए हैं, है ना। राइटिंग एक बहुत पावरफुल वेपन्स है बोलते हैं, आई थिंक, है ना, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी थॉट्स जो है रख सकते हो। बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड, है ना। आपके बुक जो है बेस्ट फ्रेंड होता है, और अगर आप उस बुक से बात करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ राइटिंग यू कैन टॉक टू विथ योर वी कैन टॉक टू योर बुक ऑल एक्चुअली, है ना। आप अपने से या मैं अपने बुक से क्या कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, है ना। आपको जैसे कुछ मन करता है ना, तो आप सिंपली अपने कॉपी लेकर उसमें नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए करो। जैसे डायरी राइटिंग एक पहले चलता था पहले ज़माने में, अब तो ऑनलाइन ब्लॉग राइटिंग होती है बेसिकली। और डायरी जो राइटिंग करते थे ना, वो उनका ना माइंड भी बहुत प्रॉपर सेट रहता था, समझो, है ना। जो दिन भर का फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, या जो अच्छी चीज़ें हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको आप सिंपल क्या करो, एक एकांत में बैठो मस्त, रात को सोने से पहले या जब भी आपको टाइम मिलता है, उस टाइम में आप पूरी एक्टिविटी को क्या करो, डायरी में नोट डाउन करो विथ अ डेट, डेट और दिन के साथ, कि इस दिन मैं ये करी भाई, मैं ये पढ़ रही थी तो आज मैडम ने ये बताया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, या आज मैं अपनी फ्रेंड से मिली, वहाँ हलवा खाया, उनकी मम्मी ने बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बनाया था, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा। तो उसमें अच्छी बातें बुरी बातें सभी आपको एक दो पेज में कंप्लीट लिखनी चाहिए। आ रहा है समझ में? जैसे किसी की तबीयत खराब होगी तो अरे मेरी तबीयत ख़राब हो लग रही थी आज, मैं ऐसा करी थी, तो ये सभी चीज़ें ना आपको जब लिखोगे ना तो लगेगा नहीं मैम मैम क्या बोल रहे हो, इतना तो टाइम नहीं रहता हम लिखने के लिए, ऐसा आपको लगेगा। पर उसी चीज़ को जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, या बड़े हो जाने की बात अलग है, आप उसी चीज़ को 4-5 साल बाद वापस जब पलट के देखोगे ना, तो ऐसा लगता है वो चीज़ वापस फिर से आपके सामने में हो रही है। मतलब इतना हर एक चीज़ जो है ना एकदम फील होने लगता है, दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है, एहसास होने लगता है। अरे बात समझ में? तो ये एक पावर होता है डायरी राइटिंग का, है ना। खैर डायरी राइटिंग अलग चीज़ है। आप इस आपको ये पढ़ना है कि न्यू एज राइटर्स कौन है, ठीक है। तो ये आपको क्लू दिया है, पर ये जैसे फर्स्ट में बता देती हूँ बेटा, हिज फर्स्ट नॉवल द वाइट टाइगर पब्लिश्ड इन 2008 एंड वोन हीम अ मैन बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन इन द सेम ईयर, ओके। एंड द नॉवल डिस्कस्ड द टू कॉन्ट्रास्टिंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंडियन एमर्जिंग रिच क्लास एंड द पीपल हु विल स्ट्रगल टू अर्न देयर डेली ब्रेड एंड द बटर, है ना। ये इनके इस जो टॉपिक के बारे में दिए थे, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का ज़रूरत है क्या, है ना। अगर जीके का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको आपको एकदम एज इट इज़ हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँ, बस आपको ये जानना है कि एक राइटर हैं जिन्होंने वाइट टाइगर नाम का जो है नॉवल लिखा था, जिसमें दो सोसाइटी, दो अलग अलग सेक्शन जो हमारे समाज में है, उनके बारे में बताया गया था।
पहला क्या है, जो अमीर लोग हैं जिनकी हेयर स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल जो है अलग होती है। दूसरे जो है एक ऐसे लोग भी हैं जिनको दो वक्त की रोटी जुगाड़ने के लिए उनको इतना टाइम लग जा रहा है, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये जो अपने नॉवेल में है उन्होंने हमारे इंडिया के या हमारे सोसाइटी के दो अलग अलग जो है क्या बोलूँ, व्यू को या जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको क्या करा था, अपने नॉवेल में पब्लिश किया था या लिखा था बेसिकली, जिनके कारण से इनको मैन बुकर प्राइज़ भी 2008 में मिला। इस जो पर्सनैलिटी हैं, ये जो राइटर हैं, उनका नाम है अरुण अडिगा, है ना, ये उनका नाम है अरुण अडिगा। आ रही बात समझ में? चेतन भगत आप सुने होंगे, ये चेतन भगत है ना, इतने स्माइलिंग फेस है, देखिए ये एक राइटर है। इनकी तो मूवीज़ भी आई है, आप जानते होंगे द 5.1, ये भी इनकी एक बुक है ना, नॉवेल्स लिखते हैं जनरली। आपने कभी नॉवेल पढ़ा है ना, यू कैन रीड हिंदी और इंग्लिश, कोई भी नॉवेल आप पढ़ सकते हैं ना, एज़ योर लैंग्वेज कन्वीनियंस, आपको जैसा ठीक लगता है, जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो लैंग्वेज आपको समझ आता है आप उसको पढ़िए। जो अब जब आप कभी नॉवल पढ़ोगे ना, तो उसमें इतने अच्छे से डिस्क्रिप्शन रहता है, जैसे मान लो कि मैं किसी सीन के बारे में बात कर रही हूँ, सपोज़ मैं अभी अपने पढ़ाने का सीन को मैं नॉवल में लिखना चाहूँगी तो कैसे लिखूँगी? शाम का 7 बजे 8 बजे का समय था, एक्चुअली मैं वीडियो शाम को बना रही हूँ, ओके आप लोगों को पता भी चल जाता होगा। तो शाम को 7 बजे का समय था, घर में सभी अपना अपना काम कर रहे थे, मैं अपना फ़ोन खोली, बुक को ओपन करी, बुक में पेज नंबर इसको ओपन करी और फिर मैंने पढ़ना चालू किया। जैसे ही मैंने पढ़ना चालू किया, मुझे याद आया कि मैं ये पढ़ के उसके बाद मुझे वीडियो बनाना है, ऐसा करके मतलब इतने अच्छे से डिस्क्रिप्शन रहता है, आप ना उस चीज़ को फील करने लग जाओगे, उस चीज़ में एकदम इन्वॉल्व हो जाओगे। तो ये पावर रहता है किसका, नॉवेल का, है ना। आपको कभी भी टाइम मिले बेटा, आप एक बार नॉवेल पढ़ना, है ना, बुक्स भी पढ़ सकते हो आप, है ना। अब्दुल कलाम है हमारे, उनकी बुक पढ़ी है सर, जो अब्दुल कलाम सर हैं उनकी बुक पढ़ी है, बहुत अच्छे मतलब अच्छे वर्ड्स में उन्होंने लिखे रहते हैं, है ना, बहुत अच्छे वर्ड्स में लिखते हैं। आ रही बात समझ में? विंग्स ऑफ फायर बहुत अच्छी उनकी बुक है, कलेक्शन है उनकी बुक की बहुत सारी, आप विंग्स ऑफ फायर भी पढ़ सकते हो। ये है, उन्होंने अपनी बुक में बहुत पॉजिटिव बातें भी कही हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। वैसे ही आपको बाकी राइटर्स के बारे में दिए हैं, आपको बस इसको पढ़ना है, बताना है कि ये कौन राइटर हैं और किन की बात हो रही है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, इनका नाम झुम्पा लहरी, है ना, झुम्पा लहरी। कुछ का नाम आपको नहीं पता होगा, जिसके बारे में आप नहीं जानते उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे चेतन भगत जी के बारे में बहुत लोग जानते हैं, तो उनके बारे में अगर जानते हो तो उनको और थोड़ा परफेक्ट कर दिए, है ना। ये क्यों है, एक नॉवलिस्ट हैं ये भी, ठीक, जिन्होंने लिखा है 2011 में, क्या लिखा था, ही क्विट हिज जॉब एंड बिकम अ फुल टाइम राइटर। ये पहले जॉब करते रहे होंगे, तो उन्होंने अपने जॉब को क्विट कर दिया ताकि सिर्फ वो राइटिंग को अच्छे से समय दे सकें, अपनी राइटिंग स्किल्स को और जो है इम्प्रूव कर सकें। एंड ही इज़ द फर्स्ट नॉवल एंड वो द बेस्ट सेलर ऑफ ऑफकोर्स आई लव यू, ये एक नॉवल है उनकी। उन्होंने वो जो 2008 में उन्होंने रिलीज़ की थी, वाइल ही वो स्टिल इन द कॉलेज, जब उन्होंने 2008 जब वो 2008 में थे, बेसिकली 2011 में तो उन्होंने जॉब छोड़ा है बेटा, 2008 में जब वो कॉलेज में थे तभी से उन्होंने लिखना चालू कर दिया था। और ये जो राइटिंग जो बुक है, ये बुक नहीं बोलना चाहिए, जो नॉवल है उन्होंने लिखी थी, यस ऑफकोर्स आई लव यू, ये जो नॉवेल है उन्होंने लिखी थी, है ना, जिनका नाम क्या है, व्हाट इज़ हिज नेम, दुर्जॉय दत्ता, है ना, दुर्जॉय दत्ता ऐसा कुछ नाम है इनका, है ना, आप इसको जानिए। बाकी जो ऐसी क्लूज हैं उसको आपको फिल करना है, और इस जो जो आंसर्स जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स को आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट लिखा है, हुज द फेमस बुक हुज फेमस बुक्स वाज आर टाइटल्ड द सीक्रेट ऑफ द नाग्स एंड दी सीट्रोलॉजी, है ना, जो नाग्स होते हैं, नागस होते हैं, उनकी जो सीक्रेट है वो, और ये जो बुक है इसका नाम है क्या, सीट्रोलॉजी, इसके बारे में किस राइटर ने लिखा है, तो द राइटर इज़ व्हाट अमित त्रिपाठी, इन्होंने लिखा है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ना है और बताना है कि कौन जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है करके, ओके इतना समझ आया, तो ये आप कंप्लीट करिए, पेज नंबर 43 है आपके बुक का, जीके की बुक का, ओके क्लास, बाय।